पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले के विरोध में सिखों का प्रदर्शन, दिल्ली में जताया ऐतराज, पाकिस्तान के विरोध में लगे नारे। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर जुटे सिख समुदाय से जुड़े लोग, कहा पाकिस्तान में ननकाना साहिब का नाम बदलने और सिखों को निकालने की दी गई धमकी। प्रदर्शनकारी सिखों ने कहा, हम डरने वालों में से नहीं, औरंगजेब भी हमें डरा नहीं सका था। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर गूंजे जो बोले सो निहाल के नारे। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान के पीएम इमरान की चुप्पी पर उठाए सवाल, पीएम मोदी पर जताया भरोसा, कहा पाकिस्तान से आने वाले सिख पीड़ितों को भारत में शरण दें। कि इमरान खान चाहे चुप है, लेकिन देश के लोगों की और दुनिया के लोगों की आपसे उम्मीद है, हम देश के प्रधानमंत्री जी से। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ननकाना साहिब में पथराव को बताया निंदनीय, सीएए के विरोधियों को दी नसीहत, कहा या तो वो कानून समझ नहीं पा रहे या फिर भ्रमित हैं। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पाकिस्तान में सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की, साथ ही कहा किसी की हैसियत नहीं ननकाना साहिब का बदल देना। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने ननकाना साहिब में हुए पथराव की जानकारी होने से किया इनकार। देखिए इस वक्त पूरा देश, पूरा भारत देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिखों पर अत्याचार की नई तस्वीर सामने आई, सैकड़ों लोगों ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर किया पथराव। हमलावरों ने ननकाना साहिब का नाम बदलकर गुलाम अली मुस्तफा करने की दी धमकी, कई घंटों के उपद्रव के बाद बढ़ा तनाव। बदला लेने के लिए आरोपी मुस्लिम युवक ने सैकड़ों लोगों के साथ किया पथराव, कहा किसी भी सिख को ननकाना साहिब में नहीं रहने देंगे। दुनिया भर में फजीहत से बचने के लिए संबित पात्रा ने किया ट्वीट, ननकाना साहिब में एक भी सिख न रहने देना, इस्लाम के नाम पे ये धमकी दी जा रही थी। संबित पात्रा ने ट्वीट में कांग्रेस और राहुल प्रियंका से किया सवाल, क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और के लिए और सबूत चाहिए। कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने मोदी सरकार से की मांग, पाकिस्तान से जताया ऐतराज, दंगाइयों पर फौरन कार्रवाई करे पाकिस्तान की सरकार। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा, करतारपुर कॉरिडोर खोलने से ही काम नहीं चलेगा, भारत सरकार को पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने भी की मांग, ननकाना साहिब में हुए पथराव पर पाकिस्तान से कड़ा ऐतराज, जताए भारत सरकार। कानपुर में सिखों ने किया प्रदर्शन, पाकिस्तान के पुतले में घोंपी तलवार, बाद में लगाई आग। प्रवीण तोगड़िया ने मोदी सरकार को पाकिस्तान पर हमला कर दो टूक नसीहत दी, हवाला दिया 1971 में इंदिरा गांधी ने ऐसा ही किया था। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हुए हमले के लिए कांग्रेस को ठहराया दोषी, सीएए के विरोध पर सोनिया, राहुल और प्रियंका को देशद्रोही करार दिया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के सीएए के विरोध पर कहा, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बुलंदशहर में वकीलों ने सीएए के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर पहुंची, हिंसा में मारे गए शख्स के परिजन से की मुलाकात। 20 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में सीएए पर भड़की हिंसा में गई थी नूरा नाम के शख्स की जान, प्रियंका ने परिजनों को लगवाया मुलाकात। पीड़ित रुकैया परवीन से भी मिली प्रियंका, कहा पुलिस की पिटाई से रुकैया के सिर पर 16 टांके लगाने की नौबत आई। प्रियंका यूपी पुलिस पर पीड़ितों को परेशान करने का आरोप लगाती नजर आई, कहा मदरसे में घुसकर पुलिस ने बच्चों को मारा पीटा। बेरहमी से मारा पीटा है, हाथ टूटा हुआ है, टांगों में पत्थर हो रहा है, तमाम मतलब चोटें हैं पूरे शरीर पे। प्रियंका ने मौलाना असद हुसैनी से भी की मुलाकात, पुलिस पर मौलाना को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
घर के भीतर जाकर प्रियंका गांधी ने पीड़ितों से की मुलाकात। बाहर दिखा सुरक्षा का सख्त पहरा। घर के भीतर जाने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मची होड़। रोके जाने पर पुलिस ने की बहस। कांग्रेस ने प्रियंका को बताया गंगा की बेटी। प्रयागराज में लगे पोस्टर पर लिखा यूपी को बचाने आई गंगा की बेटी। देश की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था पर सीएम अशोक गहलोत का बयान। मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं। मनमोहन सरकार की नीतियों से ले सबक। मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ भी गई प्रियंका गांधी। ओम साईंधाम कॉलोनी में पीड़ितों से की मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी ने सीएए के समर्थन में संभाला मोर्चा। विजय गोयल की अगुवाई में अजमेरी गेट पर किया प्रदर्शन। बीजेपी ने देशद्रोहियों को पाकिस्तान जाने की भी नसीहत दी। सीएए के विरोधियों को बेल्लारी के बीजेपी विधायक सोमशेखर रेड्डी की धमकी। कहा विरोधी ये याद रखें हम 80% और वो 17%। कांग्रेस का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला। कहा देश में बनाए हैं 1947 जैसे हालात। हाजीपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में उतरे लोग। ढोल मृदंग और तिरंगे के साथ निकाला जुलूस। इटावा पहुंचे एडीजी प्रेम प्रकाश। हिस्ट्री शीटर की जुटा रहे हैं पुख्ता जानकारी। घर घर जाकर की पूछताछ। बेंगलुरु में नागरिकता कानून का विरोध जारी। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। सीएए पर दिए गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना का पलटवार। कहा लोगों को पत्थर मारने और गोलियां खाने में आनंद नहीं आता। सरकार दूर करे भ्रम। भ्रम पैदा हो गया है तो उसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी सरकार हिंदू और केरल के वायनाड में नागरिकता कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। टॉर्च जलाकर जताया विरोध। गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नए नागरिकता कानून के खिलाफ किनारेबाजी। दमोह में सीएए और एनआरसी के खिलाफ ज्ञापन देने जा रहे प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। नाराज लोगों ने की थाना प्रभारी को हटाने की मांग। असम में नागरिकता कानून और एनआरसी पर छिड़े घमासान के बीच गुवाहाटी पहुंचे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। श्रीनगर पुलिस ने एक जिंदा आतंकी निसार अहमद डार को किया गिरफ्तार। सुरक्षा बल और पुलिस की साझा कार्रवाई। बिहार में बीजेपी ने नागरिकता कानून के समर्थन में शुरू किया जनसंपर्क अभियान। मोतिहारी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लोगों को सीएए पर दी जानकारी। आज कोटा पहुंचे राजस्थान के डिप्टी सीएम अशोक गहलोत। जेके लोन अस्पताल का लिया जायजा। सीएम गहलोत के ही बयान पर उठाए सवाल। शासन चला रहा, सरकार चला रहा तो हमारी जिम्मेदारी बनती। वसुंधरा जी की सरकार ने बेड कम सैंक्शन किए, उनको तो जनता ने हरा दिया है। एक साल से हम लोग शासन चला रहे, सरकार चला रहा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में आज एक और मासूम ने तोड़ा दम। अब तक 107 बच्चों की गई जान। लेकिन राजस्थान सरकार की आंखें खोलने के लिए सीएम को चाहिए मीडिया और विपक्ष की नजर। विपक्षी पार्टी में लोग जाएं अस्पतालों में, मीडिया वाले जाएं, कमियां बताएं, हम दूर करें। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने अस्पताल की लापरवाही मानी, करेंगे कार्रवाई। राजस्थान के कोटा के बाद अब बूंदी में सामने आया बच्चों की मौत का मामला। एक महीने में 10 बच्चों की गई जान। कोटा में बच्चों की मौत के मामले में एनएचआरसी का राजस्थान सरकार को नोटिस। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। कोटा में अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर गहलोत सरकार से खफा हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के घर पर हुई बैठक में मंथन। कोटा मामले में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे देंगे सोनिया गांधी को रिपोर्ट। अस्पताल में 107 मासूमों की मौत के बाद कोटा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। पीड़ित परिजनों से कर रहे हैं मुलाकात। महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे से पहले शिवसेना विधायक और राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार खफा। इस्तीफे के पेशकश की खबर। कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज। शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने पार्टी सेक्रेटरी को इस्तीफा भेजने की जानकारी दी। सीएम ऑफिस ने इस्तीफा नहीं मिलने का दिया हवाला। शिवसेना के मंत्री अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की खबर पर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान। कहा बोया पेड़ बबूल का तो बेर कहां से आए।
उद्धव पर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का वार, बोले मुंबई में मातोश्री के रिमोट के सेल डाउन हुए या दिल्ली की मातोश्री से चल रही है सत्ता। लखनऊ में शहीद के परिजनों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, सौंपी सरकारी मदद। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर की बिगड़ी सेहत, मुंबई के माहिम में रहेजा हॉस्पिटल में भर्ती। हरियाणा में माहिम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पटना में जेडीयू का आरजेडी पर पोस्टर प्रहार, लालू के चरवाहा विद्यालय को बताया आतंक, चुनाव से पहले नीतीश ने कराता बिहार बनाम संवरता बिहार की छेड़ी जंग। दिल्ली के द्वारका में सरकारी स्कूल सर्वोदय बाल विद्यालय की पीटीएम में शामिल हुए सीएम अरविंद केजरीवाल, बोले शिक्षा व्यवस्था पर हो राजनीति, धर्म को लेकर नहीं। बीजेपी ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पीटीएम मीटिंग पर उठाए सवाल, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उपराज्यपाल को खत लिखकर पीटीएम पर रोक की मांग की, ठंड कर दिया हवाला। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का नहीं थम रहा है विवाद, बिजली सप्लाई में बाधा डालने की कोशिश, सर्वर रूम हाईजैक करने पर बढ़ा विवाद। पिटाई से एक छात्र को लगी चोट, टूटा चश्मा। गुना में एक शिक्षक की पिटाई, शिक्षिकाओं से छेड़खानी का आरोप। वाराणसी में दो कारों में आमने सामने की टक्कर, हादसे के फौरन बाद एक कार शोलों में तब्दील हुई, कोई जख्मी नहीं। कर्नाटक के तुमकुर में दर्दनाक हादसा, बस और कार की टक्कर के बाद कार में लगी आग, तीन लोग जिंदा जले। सड़क हादसे पर बड़ी सपना चौधरी की मुश्किल, ट्रक चालक की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। बैतूल में आपत्तिजनक कमेंट पर लड़की ने विरोध किया तो आरोपी ने मारा चाकू, पुलिस ने दर्ज किया केस। लखनऊ पुलिस ने एटीएम से पैसे चोरी करने वाले गैंग के छह गुर्गों को गिरफ्तार किया, यूट्यूब पर वीडियो देखकर वारदात को देते थे अंजाम। हाथरस में एलपीजी सिलेंडर के रिसाव के बाद लग गया, घर के सभी लोग सुरक्षित। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक साल की मासूम बच्ची की हत्या, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। जोधपुर के फलौदी इलाके में युवक से बर्बरता, वीडियो वायरल होने पर चार आरोपी गिरफ्तार। झांसी के एक गांव में दीवार ढहने से पांच लोगों की मौत, सात लोग घायल। उधम सिंह नगर में ठंड का सितम, 20 से ज्यादा भैंसों की मौत। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बीच लौटने लगे पर्यटक, जाम और ठंड बनी मुसीबत। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में भारी बर्फबारी के बीच स्कीइंग कार्निवल, तीन दिन तक लगेगा पर्यटकों का जमावड़ा। टीकमगढ़ में गिरे ओले, बड़ी मात्रा में फसल तबाह, कई पशुओं की मौत। पन्ना में बारिश की वजह से लाखों की धान बर्बाद, कलेक्टर के आदेश के बाद भी खुले में रखी थी बोरियां। टीकमगढ़ में ठंड लगने से किसानों की मौत, जिला प्रशासन ने आर्थिक मदद का किया ऐलान। भरतपुर में 125 गौवंशों को दूसरे इलाके में छोड़ने पर बवाल, नाराज लोगों ने हाईवे पर यातायात किया ठप। अगरतला में बीजेपी के दो विधायकों ने किया प्रदर्शन, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। श्रीकाकुलम में 1 लाख के नकली नोट जब्त, 5 आरोपी भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पुलिस को कामयाबी, हथियारों के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। बगदाद में अमेरिका ने फिर किया हवाई हमला, 6 लोगों के मारे जाने की खबर, ताजी रोड इलाके में किया गया हमला। ईरान अमेरिका में बड़े तनाव को लेकर, बोले ट्रंप, ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या युद्ध खत्म करने के लिए की गई, युद्ध शुरू करने के लिए नहीं। अपने कमांडर के मारे जाने से बौखलाया ईरान, कहा अमेरिका से लेंगे बदला। अमेरिका ने जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ाई सुरक्षा और 3,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती, बढ़ते तनाव से तेल के दाम में इजाफा। सुलेमानी के मारे जाने पर इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन, अमेरिका के खिलाफ की नारेबाजी।